हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, खरगोश बहुत ही कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल्स होते हैं, इसलिए उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ खाने पीने की चीजें खरगोश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। इन्हें खाने से या तो वे बीमार हो सकते हैं या फिर ये चीजें उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको उन सब चीजों के बारे में बताएंगे जिनको खाने से आपके बनी को नुकसान पहुंच सकता है। ये सभी चीजें आपको अपने बनी को खाने के लिए भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन सब चीजों की जो आपके प्यारे बनी को नुकसान पहुंचाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। अब आते हैं चावल। कच्चे या पके हुए किसी भी तरह के चावल आपको अपने बनीस को नहीं देने चाहिए, क्योंकि चावल में कम पोषक तत्व होने के साथ साथ फाइबर भी बहुत कम होता है। इस वजह से आपके बनी को पेट दर्द या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं फलों के बीज। किसी भी तरह के फल के बीज, स्पेशली सेब के बीज, आपको अपने बने को खाने के लिए नहीं देने चाहिए। सभी फलों के बीज निकालने के बाद ही आप उन फलों को अपने बने को खाने के लिए दे सकते हैं। सेब के छोटे छोटे बीज भी आपके बने के गले में फंस सकते हैं। इस वजह से किसी भी तरह के बीज वाले फल अपने बने को खाने के लिए ना दें। उन सभी फलों के बीज निकालने के बाद ही आप उन्हें अपने बने को खाने के लिए दें। अब आता है मक्की या कॉर्न। मक्की आपका बनी पचा नहीं सकता, सो मक्की या कॉर्न अपने बनी को खाने के लिए ना दें। अब आती है फूल गोभी। फूल गोभी खाने से आपके बनी को पेट में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लिस्ट में अगला नंबर है किसी भी तरह के मीठे या फिर मिठाई का। मीठा आपके बनी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए किसी भी तरह की मिठाई या फिर मीठी चीजें अपने बनी को ना खिलाएं। बहुत मीठे फल जैसे केला, चीकू, ये भी अपने बनी को हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार ही खिलाएं। नेक्स्ट नंबर है मटर का। मटर भी आपके रैबिट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि मटर में शुगर और फास्फोरस हाई लेवल में होते हैं, जो कि रैबिट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसके साथ ही फ्रेंड्स, फैट वाली सभी चीजें खरगोशों के लिए बहुत हानिकारक माने जाती हैं, इसलिए दूध, दही, मक्खन, चाय या कॉफी जैसी चीजें अपने बने को भूलकर भी ना दें। इसके साथ ही रोटी, ब्रेड भी अपने बने को खाने के लिए ना दें, ये आपके बने के गले में फंस सकती हैं। किसी भी तरह का फास्ट फूड, जंक फूड या बेक चीजें, पास्ता, कुकीज, चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम भी अपने बने को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इन चीजों में हाई लेवल में शुगर हो सकता है, जो कि आपके बने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब नंबर आता है मीट मांस और अंडे का। फ्रेंड्स, खरगोश पूरी तरह से शाकाहारी नेचर के होते हैं। उनकी बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है कि उन्हें केवल पेड़ पौधे वाले खाने की चीजें जैसे फूल, पत्तियां, घास, सब्जी, इन्हीं चीजों की उन्हें जरूरत होती है, और यही इनकी बॉडी के लिए काफी होते हैं। इन्हें रैबिट आसानी से पचा लेते हैं। मीट मांस या अंडे खरगोश पचा नहीं सकते, जिससे उन्हें पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह का इंसानी खाना जिसे हम इंसान खाते हैं, रैबिट को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अब नंबर आता है अवोकेडो फ्रूट का। अवोकेडो भूलकर भी अपने खरगोश को ना खिलाएं। ये वाइट बनीज यानी कि सफेद खरगोशों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसमें हाई लेवल में फैट होता है, इसलिए इसे खरगोशों को नहीं खिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी उन चीजों की लिस्ट जो आपके बनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको अपने बनी को इन्हें भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।